अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आजकल न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान सुपर लीग के छठा एडिशन जो कि कोरोना वायरस के बायस मुलतवी कर दिया गया और इसमें अभी तक 14 मैचेस ही खेले जा सके थे और आखिरी मैच PSL 6 का क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला गया जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नाम रहा था। PSL 6 में खेलने वाले खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद PCB ने मुशावरत की और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को अभी के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा और उसके बाद में इनके तमाम मैचेस जो बकिया मैचेस हैं वो खिलाए जाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये मैचेस कब खेले जाएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का छठे एडिशन के बकिया मैचेस कहां पर होंगे, तो ये आप सब जान पाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप PSL के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन में 6 खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और एक कोचिंग स्टाफ को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन जो है वो मुलतवी कर दिया गया और PCB की जानिब से कल के रोज़ एक मीटिंग की गई जिसमें फैसला किया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के जो बकिया मैचेस हैं वो कहां पर कराए जाएंगे, तारीख पर, किन माह में कराए जाएंगे। तो जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से PCB का फैसला सामने आया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस मई और जून के महीनों में कराए जाएंगे। दोस्तों याद रहे कि मई और जून वही महीने हैं जिस दौरान इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL खेला जा रहा होगा और इसके रिलेटेड यही बात जाहिर होती है कि जब IPL खेला जाता है तो कोई भी क्रिकेट सीरीज़ नहीं हो रही होती इंटरनेशनल और तमाम प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आसानी होगी कि वो कोई भी नए प्लेयर्स दोबारा ड्राफ्टिंग करके बुला सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि IPL फ्रेंचाइज का भी हिस्सा हैं, जिसकी वजह से मई और जून में अगर IPL के साथ PSL भी कराया जाए तो PSL के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि PSL में वो प्लेयर्स नहीं खेलते जो प्लेयर्स तमाम प्लेयर्स जो हैं वो IPL में खेलते। और दोस्तों जहां तक बात रही कि ये मैचेस कहां पर कराए जाएंगे तो फैसला सामने ये आया है कि ये मैचेस अब दो नहीं बल्कि एक ही शहर में यानी कि कराची के नेशनल स्टेडियम में कराए जाएंगे और तमाम मैचेस एक ही स्टेडियम में कराकर PSL 6 का इख्तिताम कराया जाएगा। अब दोस्तों PSL 6 के मुलतवी होने के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं और PCB से भी बहुत से सवालात किए जा रहे हैं। इस बारे में आप सबकी क्या राय है और आपके ख्याल में किसकी वजह से, किसकी गलती से PSL 6 जो है वो मुलतवी हुआ है, इस बारे में आप सबकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दुनिया भर की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आजकल को और साथ में बने बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।